शहर में विगत कई दिनों से चल रही बीएनके सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की बहुप्रतीक्षित चुनाव प्रक्रिया मंगलवार को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ संपन्न हो गई। सोमवार को संचालक मंडल सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात मंगलवार को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए नाम नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए सहकार ग्रुप के रतन सिंह मेहता तथा उपाध्यक्ष पद के लिए किशोर सिंह के नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की जाँच के दौरान दोनों नामांकन पत्र वैध पाए गए। नामांकन पत्र दाखिल प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद पर एक एक ही नामांकन प्राप्त होने के चलते महाप्रबंधक संजय शर्मा ने अध्यक्ष पद पर रतन सिंह मेहता को तथा उपाध्यक्ष पद पर किशोर सिंह का निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया। मेहता को अध्यक्ष तथा किशोर सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा होते ही वहां उपस्थित सहकारी ग्रुप के संचालक मंडल सदस्यों तथा समर्थकों ने जयकारे लगाते हुए दोनों का माला विस्ताफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने दोनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के पश्चात रतन सिंह मेहता ने अपने संबोधन में सभी का आभार प्रदर्शित करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी सदस्यों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे, साथ ही दीपावली तक लाभांश भी वितरित किया जाएगा। मेहता ने कहा कि सदस्य संख्या बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है, साथ ही आमजन के हित में भंडार को लाभ में लाने के प्रयास भी सतत रूप से किए जाएंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के मौके पर भंडार सदस्य श्रीमती रेणु दग्धी, इंदु शर्मा, अर्चना ग्रुप की मंजू बाफना, जतन मेहता, रमेश दग्धी, गोविंद शर्मा, मनोज बाबेल, कोमल सिंह मेहता, शंकर सिंह भाटी, हनुमान साकला, दीपक बाफना, विनय गादिया, धनपत मेहता, अनिल बंसाली, गुलाब रामचंदानी, मंगलेश रोनीवाल, जितेंद्र देवड़ा, कैप्टन रामेश्वर प्रसाद, त्रिलोक सिंह, वीरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह, रतन सिंह, भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान प्रभु सिंह रावत, भूर सिंह, छीतर सिंह, अग्रवाल समाज के अमित बंसल तथा केसर सिंह आदि शामिल थे। जो मुझे और मेरी टीम को जो सहयोग दिया है, मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ और मैं प्रशासन का भी अत्यंत आभारी हूँ। जो उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराया है वो एक विशाल पैदा करी है ब्यावर के अंदर, और जो हमारे द्वारा आगे भविष्य के अंदर जो भी हमारे नौजवान जी बापना साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जून तक जो भी सदस्यगणों के सर्टिफिकेट काफ़ी समय से लंबित पड़े हैं उन सबको बंटवाया जाएगा, और जो लाभांश भी बकाया है वो भी उनको दिया जाएगा, और जो जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है उनका ट्रांसफ़र अभी तक सदस्य के ट्रांसफ़र की किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उसको भी हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो सहयोग दिया है, और आगे भविष्य में भी मैं ये चाहता हूँ कि मुझको ब्यावर की जनता और भंडार के सदस्यगण मुझे सहयोग देते रहेंगे और मैं आगे से आगे काम करता रहूँगा। मैं यही प्रण करता हूँ सदस्यों के लंबित सर्टिफिकेट काफ़ी समय से पड़े हुए हैं उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा जनवरी तक, और जो लाभांश बकाया है उनको दिया जाएगा, और भी जो अपने जिन सदस्यों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के सदस्यों को वो चाहेंगे तो उनके नाम सदस्य उत्तराधिकारी उनके उत्तराधिकारी को उनके नाम ट्रांसफर किया जाएगा। आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस बहुत लंबे समय के बाद में ये चुनाव हुआ। ब्यावर जैसे जिसको कई आंकड़ों में ये संवेदनशील मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसलिए बीएनके भंडार के समस्त जो सम्माननीय सदस्य हैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि ब्यावर के शहर ने अच्छे और समझदार अच्छे पढ़े लिखे संचालक मंडल जो दिया है, जो सम्माननीय हमारे जीएम साहब है संजय जी मेहता और इनकी टीम के सहयोग से संजय जी शर्मा राजस्थान में जो ब्यापना जी के टाइम में राजस्थान में नाम था बी एन के भंडार का, उस नाम को वापस हम भंडारों में दूसरे नंबर का भंडार लोग और आशीर्वाद से संचालन मंडल की और उपभोक्ताओं के भी कोई मतलब किसी प्रकार का सुझाव होगा उनकी सुविधाओं के लिए भी हम अच्छा काम करेंगे।